जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें अंबर जैदी भारत से और फखर यूसुफ जी ने की है। उसमें सीधा सीधा अंबर जैदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि आप पाकिस्तान में कोई भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ले आए, 100 साल तक चाहे 500 साल तक ले आओ, लेकिन भारत तो क्या पूरा विश्व भी पाकिस्तान पे कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से मदरसों में जिहादी तैयार होते रहते हैं और इन जिहादियों से पूरे विश्व को अशांत किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस जवाब को सुन के बहुत ज़्यादा बौखला गए और बारी बारी में बोल रहे थे कि जब तक मोदी है तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है। तो अंबर जैदी ने भी ये जवाब देते हुए कहा कि आप तो सिक्योरिटी पॉलिसी ले आए, लेकिन उसका क्या पता भारत के, आप चाइना के अंडर में लेके आए हो, चाइना की कोई साजिश के तहत ये पॉलिसी लेके आए हो। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि भारत ही नहीं बल्कि कोई भी मुल्क इतनी आसानी से पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करेगा। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उसमें कश्मीर डेस्क है, तो क्या वो चीजें जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर उन्होंने यूएन और अलग अलग लॉबीज तैयार की हुई है, उनके विदेश मंत्रालय में कश्मीर लॉबी है, तो वो सारी चीजों का क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो पहचान है, जो पैदाइश है, वो भारत विरोध पर ही है। तो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इतनी आसानी से भारत पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाली बात आप कर रही हैं कि पाकिस्तान का मतलब जो पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक नैरेटिव है वो हिंदुस्तान के मुखालिफ है, लेकिन यही बात सेम पाकिस्तान में की जाती है कि हिंदुस्तान भी यही करता है। यानी बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे लोग रहते हैं जिनका फायदा इस चीज में है कि वो कहते हैं कि यार अगर हालात बेहतर हुए तो शायद हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, अगर खराब रहेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा और हमें ज्यादा बेनिफिट है उसमें खराब रहने में। और शायद मैं कहता हूँ लोगों के अलावा जो है, मैं कहता हूँ बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों को नहीं, शायद बहुत सारे ममालिक को ये है, हो सकता है इसका फायदा चाइना भी उठा रहा हो, इसका फायदा रशिया भी उठा रहा हो, इसका फायदा जो है दुबई का आपने जिक्र किया, तो क्या दुबई चाहेगा कि डायरेक्ट मतलब वाघा बॉर्डर से चीज आके लाहौर की मार्केट में आ जाए और लाहौर से कोई चीज निकल के अमृतसर पहुंच जाए मतलब आधे या पौने घंटे में? कौन चाहेगा ये? मतलब ये तो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट, तो वो दोनों अतराफ से, पाकिस्तान भी नहीं करता, पाकिस्तान भी हमें यही मतलब पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारा दुश्मन देश है और उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमने अपने डिफेंस को स्ट्रांग करना है, हमने ये जहाज खरीदने, ये मिसाइल खरीदने, ये टैंक खरीदने, ये तो बताई जाती है ये बातें, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है, बेशक ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ना हो किसी और जगह से, लेकिन ये तो नहीं है कि मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो आपस में पता नहीं कितनी मतलब उनकी रही, जर्मनी जब दो पार्ट्स में था उनके बीच में अगर हम देख लें, या फ्रांस और दूसरे कंट्रीज का हम देख लें, तो उसके बाद आज जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिराया और आज वही अमेरिका है जिसका अड्डा जापान के अंदर टोक्यो के अंदर मौजूद है, वो कोई मतलब पुरानी बात नहीं है, 100 साल भी अभी नहीं हुए उसको जब एटम बम उनके ऊपर गिराया गया था, तो क्या वो भूल गए उस चीज को? आज भी वहां पे वो बाकायदा अगस्त में वो चीज मनाई जाती है, वो दिन मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं से तो किसी ने स्टेप लेना है, वो पाकिस्तान या भारत। फकर देखिए, आपकी बात अगर हम वैसे देखें तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या फिर हम कहें एक आम नागरिक होने के नाते पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। लेकिन ये जो अगर हम नेशनल पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, पिछले 7 सालों से इस पे काम चल रहा था, जो मियां सरताज अजीज हैं आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जो मार्गदर्शक थे, उनकी उस समय से इस पे काम चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो फौज की उनके गो हेड के बिना इस सारी चीजों को अनाउंस करें। 15 दिन पहले ये पॉलिसी अनाउंस हुई और अब 15 दिन बाद जाके आधी पॉलिसी अनाउंस होती है और आधी में क्या है ये अभी तक एक सस्पेंस है। तो पाकिस्तान किस तरह से ये चीजें कर रहा है तो अपने आप में खुद ये शक के दायरे में इसको लाके खड़ा कर देते हैं कि अगर इतनी क्लैरिटी है या आपकी इंटेंशंस वाकई में
अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की है, तो उसमें इतना सस्पेंस क्यों है? और तो यहाँ पे इसीलिए सवाल ही खड़ा होता है। और भारत और पाकिस्तान का इतिहास हम जानते हैं कि भारत ने, पाकिस्तान ने जो भारत से अलग किया था खुद को, वो धार्मिक और उसी बिना पे किया था। बाद में भी हमने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तीन बड़ी जंगें हुई, जिसमें से हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अलग कराया। तो ये सारी चीजें देखते हुए और लगातार हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या आतंकवाद को पनाह देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इजीली, जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। जहां तक बात आती है कि बायलैटरल टाइज की, तो देखिए हम, मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत की एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, और हम यहाँ पे मेक इन इंडिया के बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। तो भारत को पाकिस्तान के साथ, अगर वैसे भी अगर हम इम्पोर्ट की बात करें, तो पाकिस्तान ने खुद इम्पोर्ट बैन किया था भारत के साथ, तो ये उसको भी लिफ्ट, बैन लिफ्ट करने की भी एक वो हो सकती है कि हाँ हमने तो, पाकिस्तान ने तो खुद बैन किया हुआ है ना इम्पोर्ट पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए अगर हम बात करें अपनी, तो हमारे लिए सबसे पहले है राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके बाद हमारे और भी, जैसे हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना के साथ भी हमारे बायलैटरल टाइज अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे अब उस पे, क्योंकि चाइना अभी लगातार जो हिंदुस्तान और चाइना का बॉर्डर है उस पे लगातार शरारत करता रहता है, तो उसको लेकर भी हमारे यहाँ काफी कैंपेन चलाई जाती है और सरकार भी उसको लेकर सतर्क रहती है, जिसका नतीजा ये है कि चाइना की इकोनॉमी हमने देखी है कि किस तरह से वो टूटने के कगार पर है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो 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 बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि अगले 10 सालों में चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। तो हम एक पड़ोसी मुल्क, वो पड़ोसी मुल्क जो हमारे आसपास रहते हैं, उनकी, चाइना तो भारत को एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर के तौर पर देखता है कि वो एक, अगर आने वाले समय में सुपर पावर की अगर उसमें आते हैं उसमें, तो चाइना और हिंदुस्तान का एक, दोनों आपस में एक बड़े कॉम्पिटिटर। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो बड़े मुल्क हैं और जो पैसे वाले रिच कंट्रीज हैं, उनका कहीं ना कहीं पिछलग्गू बनकर रह गया है कि भाई उनका एक फौज का बैकअप उनको दे दिया। जैसे कि अभी चाइना के, हमने देखा है कि चाइना का किस तरह से ये एक, इसके पीछे एक ये भी वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं चाइना के कहने पर तो वो ऐसा नहीं कर रहा कि अगले 100 सालों तक भारत के साथ दुश्मनी नहीं करेगा। तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये मैं अपने खुद के एनालिसिस से बता रही हूँ कि मेरा खुद का एनालिसिस है। ऐसी चीजें हो सकती है, अभी तक हमारे सरकार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। जी अच्छा अंबर, एक चीज और है, मतलब आपने चाइना का जिक्र किया, तो मतलब चाइना के साथ हिंदुस्तान के अगर पिछले 2 या 3 सालों को हम देख लें तो हालात काफी खराब हुए हैं, और मतलब बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि मतलब 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ और इस तरह की चीजें हो जाए, क्योंकि चाइना भी आराम से नहीं बैठ रहा। जिस तरह आपने कहा कि वो एक्सपेंशन अपनी कर रहा है, अपने बॉर्डर को वो आगे बढ़ा रहा है, हिंदुस्तान के इलाकों में वो आ रहा है, अभी भी हमने कुछ दिन पहले उसकी तस्वीरें देखी हुई थी, तो क्या ये वाली चीज कि अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के हालात बेहतर हो जाते हैं, लेट सपोज, तो उनके लिए आसान नहीं हो जाएगा चाइना को हैंडल करने, क्योंकि टू फ्रंट वॉर जो है वो बेशक अमेरिका लड़ता हो, रशिया लड़ता हो, चाइना लड़ता हो या हिंदुस्तान लड़ता हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। टू फ्रंट वॉर किसी भी मुल्क, मेरे ख्याल जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी उनके पास सब कुछ हो, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। तो क्या उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं है कि वो कहें कि यार वाकई सही है, अगर पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर कर लो, चाइना के साथ निमट लेंगे? नहीं, लेकिन फखर अभी देखिए कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो अभी भी, हालांकि पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करता है चाइना, और पाकिस्तान की हैसियत तो किसी भी मुल्क के आगे ऐसे नहीं कि एक स्ट्रांग पोजीशन नहीं कि वो अपनी बात कह सके या मनवा सके। पाकिस्तान हर मुल्क के आगे उनसे पैसा लेता है, उनके उनके हाथों इस्तेमाल होता नजर आया है। और ये अभी चाइना की भी अगर हम बात करें तो चाइना के साथ भी वही हुआ है। तो ये हो सकता है कि ऐसे में पाकिस्तान के साथ कैसे भरोसा किया जाए कि वो चाइना, चाइना के साथ किस तरह का उनका इंटरनल उनके रिश्ते हैं या किस तरह की साठगांठ है, वो क्या, वो आप ये बताइए। जब वो एक दो दुश्मन एक साथ है, तो अभी ऐसे में आसानी से भारत कैसे भरोसा कर सकता है पाकिस्तान पर? इतना आसान नहीं है कि अगले एक अचानक से भारत के साथ ओवरनाइट पाकिस्तान दुश्मनी खत्म करना चाहता है। तो ये बात
आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, ये ही मैं बोल रही हूँ कि अब आगे सरकार क्या इस पे फैसला लेती है ये देखने को होगी, क्योंकि मैं इस पे कोई आधिकारिक तौर से मैं इस पे कोई बात नहीं कर या डिपेंड नहीं कर सकती हूँ जी। अच्छा एक चीज अंबर, एक चीज और है, मतलब इस पॉलिसी के ये वाले पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने कहा वो आपके मैं आपसे पूछूंगा। इसमें कहा गया है कि हम हिंदुस्तान के साथ ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन जब मतलब जब लेकिन आया, इफ्स एंड बट्स की जब बात होती है तो वो चीज मतलब उसमें मजा नहीं रहता, वो खराब हो जाती है। इन्होंने ये भी साथ बोला है कि जब तक इमरान खान साहब, आप मतलब आपके भी बड़े फेवरेट मैंने सुना है, मेरा तो खैर लोगों को पता है कि कितने फेवरेट हैं तो वो उन्होंने पूरे दिन नहीं आए कि इमरान खान मेरे फेवरेट हो गए। हमारे फेवरेट मोदी जी हैं, वो ही रहेंगे हमेशा। जबरदस्त। अच्छा यही ना, मैं मोदी जी के ऊपर ही आ रहा था, उनका जिक्र करना चाह रहा था कि ये बोला है खान साहब ने कि यार जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, हम उनके साथ कोई डायलॉग नहीं कर सकते, कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो मतलब अगर मोदी जी दो दफा तो प्राइम मिनिस्टर वो बन गए, उनका सेकंड टर्म चल रहा है, अगर थर्ड टाइम बन जाते या फोर्थ टाइम बन जाते तो फिर इसका मतलब है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक तो कोई मतलब हम भूल जाए ना ये वाली सारी चीजें। देखिए मुझे लगता है कि इमरान खान को बेहतर होगा कि वो अपनी हरकतों पर, पाकिस्तान जो लगातार करती है, आतंकवाद सबसे बड़ा उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है, आतंकवाद को लगातार पना देती है, और भारत जो हम देख, मैंने भी पहले भी कहा कि सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर देती है, और आप ठीकरा मोदी जी के सर पे बोल दीजिए कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, आपको पहले अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। अब सरकार जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है और वो उसके साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। पहले की सरकारों के साथ हमने देखा था कि पाकिस्तान के को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनके उसमें होता था, तो इसलिए उनको लगता है कि पहले की जो सरकार थी वो कहीं ना